तो आज इस ब्लॉग में हम बनाएंगे ब्रेन करी, बहुत ही प्यारी सी होटल विनय इंदौर में ढाबा स्टाइल में, कुछ अलग कुछ चटपटा। ब्रेन करी के साथ साथ हम बनाएंगे बटर चिकन, प्यारा सा नान और लेंगे इस मील का मजा। तो चलिए आइए अपने सफर को शुरू करते हैं और बनाते हैं ब्रेन करी। तो आज बस निकले थे मार्केट में घूमने के लिए और बस भूख लग गई, और हम ऐसे भूख लगी कि हमको आने में मजबूर होना पड़ा। हम आए आज विनय होटल और यहाँ पे हम खाएंगे एक स्पेशल डिश। तो चलिए आइए खाते हैं और पेट भरते हैं। तो भाई ये है मटन का ब्रेन, यानी कि जिसे हम मगज बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ पीसेस। यहाँ पे हमारे उस्ताद जी ने सबसे पहले लिया पैन और फिर लिया प्याज और ऑयल एक साथ, और गैस को चालू किया। करेंगे इसको सौते, ब्राउन होने तक इसे सौते करना है। ये जो रेसिपी है मैं इनके वर्जन में बता रहा हूँ जो लोग फॉलो करते हैं, आप चाहे तो कुछ अलग कर सकते हैं, आप अलग रेसिपी भी बनाएंगे। ये डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये गया हमारा मगज। मगज को बेसिकली स्टीम प्रोसेस से ही पकाया जाता है अगर आप घर पे कुक कर रहे हैं तो। इन्होंने छोटा छोटा से दरदरा काट लिया और साथ में यहाँ पे ऐड किया चॉप टमाटो और थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम मसाला डालें तो मसाला जले नहीं। इन्होंने अलग अलग जो मसाले यूज़ किए वो मैं अभी आपको बता दूँगा, और साथ ही साथ इनके साथ हंसी मजाक भी हो रही थी वो भी चलिए सोच। क्या क्या मसाले डाले उस्ताद जी, बता दूँगा, सीक्रेट नहीं बताओगे? पेस्ट, हाँ, लाल मिर्ची, मतलब काली मिर्ची और नमक, और गरम मसाला भी डाला था। गरम मसाला, मेन चीज़ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, हाँ नहीं रहे हो मेन चीज़। ये कैसी, ये कौन सी ग्रेवी है? ये प्याज की है? ये मटन की है। अच्छा, मटन की ग्रेवी। ये धनिया है, ये धनिया गया उस्ताद जी का। दाने दार दिखना चाहिए, ये नहीं कि उसको बिल्कुल दाने वाला दिखना, दाने वाला मटन दिखना चाहिए कि है मटन, हाँ गुल्लन दाने दाने दिखना चाहिए। रोगन रोगन। तो बस थोड़ी ही जद्दोजहद के बाद जो हमारी ब्रेन करी है, ब्रेन मसाला करी, हो गई बन के तैयार खाने के लिए। और साथ ही साथ मुझे मौका मिल गया इनके रेंज पे खड़े होकर कुछ बनाने का, एक सपना भी था कि कहीं ढाबे पे कुछ बनाया जाए, तो इनके यहाँ बनाने का भी मिला। तो मैंने एक प्यारी सी बटर चिकन बनाई, तो यहाँ पे विनय भैया हैं यहाँ के ऑनर, उनके लिए अपने स्टाइल में थोड़ा सा अपना टच देते हुए, ग्रेवी बेसिकली इन्हीं की थी, बस मैंने कुछ अपना टच दे दिया। और ये वो बटर चिकन है जो मैंने बना के तैयार किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लगवाए नान, मेरा फेवरेट जो ब्रेड है जितने भी इंडियन ब्रेड से उसमें मेरा फेवरेट है नान, और जो उसको खाने मज़ा आता है वो तो कहीं मिलता ही नहीं। देखिए कितने प्यार से ये जो उस्ताद जी ये लगा रहे हैं नान को, बड़े ही प्यार प्यार से। अगर हम ये करने जाए तो, क्योंकि जैसे मैं तंदूर एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझसे ये काम ना हो पाए, पर ये देखिए जो यहाँ पे तंदूरी हैं जो उस्ताद जी हैं कितने आराम से ये लगा लेते, और कितना बड़ा इन्होंने नान लगाया। बस कुछ पल का इंतज़ार और नान बन के आ जाता है बाहर, बहुत ही प्यारा बहुत ही टेस्टी। और इसके ऊपर हम लगवाते हैं बहुत सारा बटर। तो भाई आज हमारे साथ यहाँ पे है विनय होटल के ऑनर, जिनके नाम पे ये होटल है, विनय भैया, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है हमारे। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इस एरिया पे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे चालू किया और कैसे ये चीज़ें इनोवेट हुई और कैसे ये आगे बढ़े। भैया नमस्कार। सर, जिस साल पहले इसको चालू किया था 1996 में, मेरे फादर ने चालू किया था। यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, उसमें कॉन्सेप्ट पूरा ढाबा स्टाइल था, तो उसको अपन ने बहुत अच्छा। और आज जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे बहुत सारे फैन के साथ रिलेशन, यहाँ का जो खाना एकदम ढाबे चलो जो देसी तड़का देखी के बनाते हैं कुछ अलग ही लगता है। अभी आपको भी वक्त मिले तो आइए, अभी तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। तो भाई टेस्ट करते हैं इनकी ब्रेन करी।
बहुत स्मूथ और प्यारी सी हो रही है। और जैसे कि उस्ताद ने बताया कि दानेदार होनी चाहिए, और है लेते हैं, पीसाना ज़रूरी है। बहुत स्मूथ, और जो एक ग्रेन का जो फ्लेवर होता है वो आ रहा है। आप भी बताइएगा कभी यहाँ आकर के कैसे लगेगी आपको ये रेसिपी। वही है आपकी ग्रेन करी बहुत बढ़िया, बहुत ही स्मूथ, जैसे एक ग्रेन करी होना चाहिए वैसी है। चलिए आइए बताते हैं इससे जुड़ी हुई आपकी खास रेसिपी।